सो गाइस, आज का मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है डिटेल टू असेंबल व्यू। आज हम यूनिवर्सल कपलिंग की डिटेल से असेंबल व्यू ड्रॉ करेंगे। ये हमारी यूनिवर्सल कपलिंग है जो आइसोमेट्रिक में दी गई है। हम इसे ऑर्थोग्राफी में कन्वर्ट करके बनाएंगे। तो फ्रंट हम यहाँ से देख रहे हैं, तो फ्रंट का पोर्शन हमारा ये रहेगा और साथ में ये पोर्शन भी दिखेगा। तो इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक 130 है सेंटर तक, और 38 का रेडियस जुड़ेगा तो 168 हो जाएगा। हाइट इसकी 28 110 और 28 166 होगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट ड्रॉ करते हैं। ये हाइट हमारी 166 है तो 83 हो जाएगी। हाफ स्केल में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इसे। 83 का सेंटर निकाल लेते हैं तो 41.5 होगा। यहाँ से 58 है तो इससे हम 29 लेंगे हाफ स्केल में। इस कॉर्नर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 168 है, 168 का हाफ होगा 84 लेंगे हम। ये 32 है तो हाफ स्केल में 16 हो जाएगा। ये 28 है तो 14 तो ये 110 यानी 55 अपने आप निकल आएगा। ये 38 का रेडियस है तो यहाँ से 19 हम पीछे लेंगे। गाइस, ये होल 32 का है तो हाफ स्केल में 16 हो जाएगा। सेंटर से 8 mm लेंगे हम। अब जो शाफ्ट का डाया दिया है हमें वो 50 दिया है तो हाफ स्केल में 25 होगा। तो सेंटर से हम 12.5 लेंगे। की वे जो है हमारा ये हमें दिया गया है 12 × 4। ये हाइट हमारी 4 है और ये 12 है तो फ्रंट में हमें केवल हाइट दिखाई देगी। तो ये हमारी 4 है तो 2 mm हो जाएगी। इसके बाद इसमें सेंटर ब्लॉक फिट होगा तो ये 55 55 110, ये भी 55 55 110 हो जाएगी। मतलब हाइट और लेंथ जो है बराबर दी गई है, या विड्थ कह लें। ये सेंटर से 38 दूसरे का सेंटर है तो ये 19 हो जाएगी। ये 56 का डाया है आउटर वाला तो 28 हो जाएगा। ये 32 है तो ये 16 हो जाएगा तो उसका भी हाफ लेंगे हम। तो आप इसे फिट करते हैं। इसमें डाया हमें जो दिया गया है वो 56 दिया है तो हाफ में 28 होगा और उसका हाफ हो जाएगा 14। यहाँ से जो सेंटर है वो 38 है तो हाफ में 19 होगा तो यहाँ से आगे हम 19 लेंगे। सेंटर ब्लॉक का डाया जो है वो 56 है आउटर वाला तो हाफ में 28 होगा तो 28 का हाफ लेंगे हम 14। अब सेंटर ब्लॉक लग गया हमारा। अब इसमें पिन ड्रॉ करेंगे। पिन की जो हेड की लेंथ है वो 50 है, 50 का हाफ होगा हमारा 25 और सेंटर से हम 25 का हाफ लेंगे। 25 का हाफ, यह हाइट 12 है। जो टोटल ओवरऑल हाइट है इसकी वो 182 है तो वो इस कॉर्नर से होगी ना कि इस कॉर्नर से, तो हम इसका भी हाफ लेंगे 182 का। और डाया हमारा 32 है तो हाफ में 16 होगा तो सेंटर से 8 लेंगे। इनका डाया हमारा 32 है तो हाफ में 16 यानी सेंटर से 8 लेंगे हम। सो गाइज, हम यहाँ सेक्शन करेंगे इस पोर्शन पे। तो ऊपर सेंटर से तो क्लियर दिखेगा, नीचे हमें हिडन दिख रहा है तो हम हिडन शो नहीं करेंगे इसमें। यहाँ से जो हाइट है एंड तक की वो हाफ में 91 होगी। अब इसमें कॉलर फिट करेंगे। कॉलर का जो डाया है वो 50 का है, हाइट इसकी 12 mm है, 6 mm।
अब इसमें पिन फिट करेंगे। पिन का डाया हमारा 6 है, यानी 3 डाया हो जाएगा हाफ में, और लॉन्ग ए 56 है तो 28 रहेगी। अब हमें ये वाला पोर्शन फिट करना है यहाँ, तो टॉप से हमें ऐसे दिखाई देगा ये, और ये पोर्शन हमें ऐसे दिखाई देगा। लेंथ सेम है, कॉर्नर 2, सेंटर 130 है, और यहाँ से जो रेडियस दिया है वो 38 है। हाफ स्केल में ये 19 हो जाएगा और ये 65 होगा। तो टोटल जो लेंथ है हमारी 168 है, 168 का हाफ 84 होगा। सो गाइज, टोटल जो लेंथ है ओवरऑल वो 130 प्लस 38 168 हो जाएगी। 168 से अगर हम 58 माइनस करें तो 110 होगी, तो हाफ स्केल में 110 का 55 होगा। तो इस कॉर्नर से हम 55 इधर लेंगे, ये हमारा 58 है, तो हाफ स्केल में 29 होगा। ये विड्थ हमें 88 दिए है, तो हाफ में 44, यानी सेंटर से 22 22। अब ये वाला रेडियस लेंगे हम, 38 का है, तो हाफ स्केल में 19 का रेडियस होगा ये, और इस सेंटर से लेंगे हम इसे। सो गाइस, अब इसमें कॉलर फिट करेंगे हम। अब ये वाला डाया ड्रॉ करते हैं इसमें, ये हमारा 50 का है, तो हाफ में 25 हो जाएगा, 25 का हाफ 12.5। नीचे का पोर्शन हिडन रहेगा, या इसे हम सॉलिड पार्ट मान लेते हैं। सो गाइस, इसमें शाफ्ट नहीं दिखी है, तो शाफ्ट का डाया भी हमारा 50 रहेगा, यानी 25, और सेंटर से हम 12.5 ले लेते हैं। की विड्थ 12 mm है, तो हाफ में 6 हो जाएगी, यानी सेंटर से 3 3। सो गाइस, अब इसे फिनिशिंग देते हैं। इस प्रकार हम हर कॉर्नर को फ्लिट कर लेंगे। एसएमएल व्यू में इन्हें फ्लिट करना कंपलसरी होता है। सो गाइज, इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रंट व्यू। अब इस पार्ट में और इस पार्ट में सेक्शन कर लेते हैं, और इस पार्ट में भी। अब इसका टॉप व्यू बिल्कुल इसके अपोजिट बनेगा, ये पोर्शन इधर चला जाएगा और ये पोर्शन इधर आ जाएगा, बाकी ये हमारे हिडन रहेंगे, और ये शाफ्ट अंदर हिडन रहेगा लेकिन बाहर क्लियर दिखेगा, और ये शाफ्ट भी हिडन रहेगा, नीचे भी हिडन रहेगी,
टॉप व्यू अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। टॉप व्यू हमारा ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर आएगा। बाकी इंटरनल पार्ट जो पिन वगैरह है वो हिडन दिखेंगे हमें। यहाँ पर हमारी एक पिन भी बनेगी। सो गाइज, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसका टॉप व्यू बनेगा। तो आप इस तरह से इसे ड्रॉ कर सकते हैं, डायमेंशन एज इट इज रहेगी। सो गाइज, आप इसमें डायमेंशन शो कर लेते हैं। सो गाइज, इस प्रकार हमारी डायमेंशन इसमें कंप्लीट हो गई है। अब इसमें बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे, कौन सा पार्ट कहाँ लगा है ये देखते हैं। सो गाइज, इस प्रकार हमारी यूनिवर्सल कपलिंग की असेंबल व्यू कंप्लीट हो गया है। ऑल डायमेंशन आर इन एम भी लिख दिया है। स्केल हमारा 1:2 का है और एंगल हमारा 3rd चल रहा है। अब ये जानते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पर लगा हुआ है और किस मटेरियल का बना है। सबसे पहले हमारा फ्रॉक है जो CI का है, 2 है, एक फ्रॉक यह है, एक फ्रॉक यह है। दूसरा हमारा सेंटर ब्लॉक CI का है, 2 है, एक सेंटर ब्लॉक हमारा ये रहेगा, दूसरा हमारा यहाँ लगा हुआ है। फिर हमारी पिन है जो MS की है, 2 है, पिन हमारी एक ही है, एक इसके अंदर लगी हुई है। फिर नेक्स्ट हमारा कॉलर है, कॉलर हमारा MS का है, 2 है, एक कॉलर यहाँ लगेगा, एक कॉलर ये लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा टेपर पिन, टेपर पिन एक यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है जो MS की बनी है, 2 है। शाफ्ट हमारी MS की है, 2 है, एक शाफ्ट ये है और एक शाफ्ट ये है। फिर हमारी की लगी है जो MS की है, 2 है, एक की यहाँ लगेगी, एक की यहाँ लगी हुई है। और ये हमारा फ्रंट व्यू ऑनली, क्योंकि स्पेस ना होने के कारण टॉप और साइड नहीं बना पाया। सो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।